Hi guys, how are you? Anasia, Uma. We'll wait for 2 3 minutes more. So first, tell me the language of instruction, whether it should be English or Hindi or mix. I'm comfortable with all of the languages, either it is English or mix. So no issues with that. So, किस में बात की जाए? हिंदी में, अंग्रेजी में? बहुत सर बोथ? ओके, बोथ। चलो। विल बी सो क्या प्रॉब्लम आ रही है आप लोगों को? सी सर फर्स्ट टेल मी दैट व्हाट इज द इशू दैट यू गाइस आर फेसिंग। ज्यादा डिफिकल्ट हो गया सर रिसेंटली, बहुत ही ज्यादा क्या हो गया? आई डोंट गेट यू। डिफिकल्ट हो गया। अब डिफिकल्ट तो हो ही रहा है आप 2023 सर का पेपर। हाँ परमुटेशन बोलो। कंपटीशन में मैक्सिमम सवाल ही तो परमुटेशन कंपटीशन से मैक्सिमम वहां से आ रहा है। नहीं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं थे, आई थिंक 2 या 3 ही थे। 2023 में तो 2 थे, वो एक था बेसिकली, एक या 2 थे बेसिकली। जो आ रहा है डिफिकल्ट हो रहा है वो हो रहा है नंबर सिस्टम की वजह से। जो नंबर सिस्टम है वो काफी डिफिकल्ट आ रहा है। चलो देखेंगे, उसका भी उपाय है, सब चीज का उपाय है। ओके, विल वेट फॉर 1 2 मिनट्स मोर देन विल स्टार्ट इट। ओके, और बताओ प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं, फिर मैं सॉल्यूशन भी बताता हूँ उनका। What are the problems that you are facing? See, CSAT difficult इसलिए होता जा रहा है because एक तो आप लोगों के basics clear नहीं है। If the basics are not clear, rest assured CSAT will be difficult. ऐसा नहीं है कि अभी से difficult हो रहा है, बहुत पहले से difficult था। मतलब last 2 3 3 3 years में they have increased the difficulty level. ओके, व्हाइट बोर्ड। इज द व्हाइट बोर्ड विजिबल टू यू? सी सी सेट, जस्ट अ सेकेंड। आई एम नॉट एबल टू राइट एनीथिंग, गिव मी अ सेकेंड। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड, समथिंग इश्यू हैज कम अप। आई एम नॉट कंफर्टेबल यूजिंग दिस वर्ड, बट डू नॉट वरी, विल टेक केयर ऑफ इट। आई विल डू इट बाय स्क्रीन शेयरिंग। ओके, नाउ इज द स्क्रीन इज गेटिंग शेयर्ड? एवरीबडी एबल टू शेयर द स्क्रीन? सर ओके, सी द प्रॉब्लम इज नॉट कि आपको पहले से कोई इश्यू था। द प्रॉब्लम इज कि धीरे धीरे जो लेवल है सी सेट का, दैट इज गेटिंग इंक्रीज। सो जैसे जैसे आपका लेवल इंक्रीज होता जा रहा है, सो जैसे जैसे ही आपका इंक्रीज होता जा रहा है, फर्स्ट ऑफ थिंग योर बेसिक्स आर नॉट क्लियर। जैसे ही बेसिक्स क्लियर नहीं होते हैं, बेसिक्स आर नॉट क्लियर। सो जब बेसिक्स क्लियर नहीं होते हैं देन इट बिकम्स अ मेजर इशू। ओके, सेकेंड थिंग इज टाइम मैनेजमेंट। कई बार क्या होता है कि हम लोग ऐसा पेपर उठा लेते हैं, ऐसा क्वेश्चन उठाते हैं जो उठाना ही नहीं चाहिए, फिर उसमें 5 10 मिनट वेस्ट हो जाते हैं। उसके बाद लगता है यार क्या हो गया हम लोगों को। उसके बाद यू नो देयर इज अ ईगो फैक्टर ऑल्सो कि नहीं यार, वी हैव यू नो 5 मिनट्स आई हैव वेस्टेड ऑन दिस क्वेश्चन, सो वी शुड गेट एन आंसर।
सो दैट सॉर्ट ऑफ माइंड सेट ऑल्सो बिकम्स वेरी वेरी प्रॉब्लमेटिक. सो टाइम मैनेजमेंट इशू मेजर इशू है, बेसिक्स क्लियर नहीं है, टाइम मैनेजमेंट इशू है. थर्ड थिंग इज देयर कि यू डू नॉट हैव एनी ट्रिक्स एंड नॉलेजेस, ट्रिक्स एंड शॉर्टकट्स. ट्रिक्स मैं ये वाली नहीं बोल रहा हूँ, देर आर फ्यू अदर टाइप ऑफ ट्रिक्स. यू इफ यू गो फॉर एस एस सी एग्जाम, देर आर ट्रिक्स बेस्ड ऑन क्वेश्चन, लाइक दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन होगा तो उसको ऐसे करेंगे. कैन यू प्लीज म्यूट योर सेल्फ दोज हू इज स्पीकिंग. ओके, सो इट्स लाइक एस एस सी में यू हैव, बिकॉज आई क्वालिफाइड एस एस सी ऑल्सो, सो आई कैन टेल यू देयर यू हैव क्वेश्चन बेस्ड. लाइक क्वेश्चन बेस्ड मीन्स कि इफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज आस्क्ड तो हम लोग ये ट्रिक यूज करेंगे, इफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज आस्क्ड देन वी विल यूज दिस ट्रिक. वो यूपीएससी में नहीं चलता है. यूपीएससी इज स्मार्टर, दे विल नेवर गिव यू अ क्वेश्चन दैट विल बी ट्रिक बेस्ड. ओके, आपको अपनी खुद की ट्रिक्स डेवलप करनी पड़ेंगी, लाइक ऑप्शनल एलिमिनेशन टेक्निक्स. अलॉन्ग विद दैट देर आर वेरियस ट्रिक, अजम्पशन मेथड. अजम्पशन मेथड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट यू नो सबसे ज्यादा फ्रूटफुल मेथड है. प्लीज म्यूट योरसेल्फ. Option. If you have anything to say, then say, otherwise, mute yourself. Just a second. Okay, so issue is this. Just give me a second. So that is the issue. सो फर्स्ट प्रॉब्लम यही आ रही है कि आपकी बेसिक्स इज नॉट क्लियर, एंड सिंस बेसिक इज नॉट क्लियर तो आपको क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने हैं, कौन से अटेम्प्ट करने हैं, कौन से छेड़ने छोड़ने हैं, ऑल दोस थिंग्स आर नॉट क्लियर टू यू. टाइम मैनेजमेंट सेकंड आपकी प्रॉब्लम है, बिकॉज टाइम मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. टाइम फ्लाइज इन एग्जाम्स. कभी कभी ऐसा होता है कि यू कीप डूइंग क्वेश्चन और 1 घंटे बाद यू केम टू नो, अरे यार मुश्किल से 15 क्वेश्चन हो पाए हैं, एंड देन यू पैनिक. वो सारी चीजें नहीं होनी चाहिए. सो फॉर दैट यू हैव टू इक्विप योरसेल्फ. इक्विप योरसेल्फ विद टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट हैज बीन आस्क्ड, इक्विप योरसेल्फ विद टाइप ऑफ टेक्निक्स आर देयर, द ट्रिक्स एंड दोस टेक्निक्स दैट आर अवेलेबल. फ्यू विल आई विल शेयर विद यू टुडे. ओके, एंड थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज स्टिल वेरी वेरी मैनेजेबल. इवन लास्ट ईयर माई स्टूडेंट, फ्यू ऑफ माई स्टूडेंट्स आउट ऑफ 27 दे गॉट 24 और 23 करेक्ट. तो इवन बेस्ड ऑन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ओनली दे आर एबल टू क्लियर देयर सी सेट. सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्टिल इज मैनेजेबल, एप्टीट्यूड इज स्टिल मैनेजेबल, बट यू हैव टू गो इन डेप्थ. सतही सतह तर्ज से काम करने पे नहीं चलने वाला, आपको डेप्थ में जाना पड़ेगा, चीजों को समझना पड़ेगा, बेसिक्स क्लियर करने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी. अगर मेहनत नहीं कर पाते हो तो इट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट. सी आई विल टीच यू, आई कैन गाइड यू, लेकिन जाना तो आप ही को है. मैं तो आपको बताऊंगा भाई इस तरफ चलना है, ऐसे चलना है. इवन आई विल हेल्प यू इन गाइडिंग दोस, बट किसको करना है, एग्जाम किसको देना है, हु हैज टू फाइट द रियल बैटल. आई एम जस्ट अ कोच टू यू, बट यू आर द प्लेयर हु विल गो इन द फील्ड एंड परफॉर्म. सो मोस्ट ऑफ एफर्ट विल बी डन बाय यू ओनली. बिफोर द नेक्स्ट स्लाइड, एनी डाउट्स, खुल के बात कर लो यार, डरने की कोई जरूरत नहीं है. Any doubts? All the participants? Sanjana, Sheikh? Okay. Yeah, Diksha, tell me. Bolo. Yes, sir. I had a doubt on how much depth should we do now topics like permutation and combinations. Like if you can address that part and also probability. So how far should we go and what See, level of I proof? give you only four topics that you should do in depth. Still do in depth. Probability and permutation is still not a major issue. Only two or three questions has been asked. Even if they are difficult, I mean, most of them, some of them can be solved easily, but some of them are difficult. What you needs to go into depth is number system. Number system is the key of your CSAT. Number system along with data sufficiency. So you should go in depth to your number system problem, whatever may be. Let me mute all. I'm muting all. Just a second.
So the issue is number system is one of the major issue that you need to take care of it. Approximately every year, 10 to 12 questions are based on number system only. And out of 80, if 12 or 10 or 12 are based on number system, that means approximately 20, 16 to 17% of your CSAT is number system. Probability and permutation combination is still manageable. But number system, you have to be absolutely spot on. Any other doubts? Is your good doubt? Okay. Second thing that I want to share with you is that, just a second, let me clear it off. Okay. So second problem that you face is time management issue. See, it's not only important ki which question you should attempt. It is also important which question you should leave. Leaving the question is also as important as attempting the question. So कई बार कैसा होता है and it does not depend on the length of the question. लोगों को मिसकंसेप्शन है कि अगर लेंथ ऑफ द क्वेश्चन बहुत बड़ी है दैट मींस द क्वेश्चन इज डिफिकल्ट. टुडे विल टेक वन एग्जांपल. जस्ट सो इन लेंथ बेसिकली मींस कि मे बी 10 to 12 लाइंस का क्वेश्चन होगा बट उसकी वजह से द आंसर कैन बी बिटवीन 2 लाइंस ओनली. और कभी कभी ऐसा होता है कि भाई 2 लाइन का क्वेश्चन होता है लेकिन आंसर कैन टेक हाफ अ पेज. हम लोग लेंथ देख के वी नेवर डिसाइड वेदर दिस अटेम्प्ट क्वेश्चन हैज टू बी अटेम्प्टेड और लेफ्ट. ओके सो दैट बिकम्स अ मेजर इश्यू. सो डू नॉट गो इन टू दैट मोड कि मैं इगोइस्टिक जिसको बोलते हैं डू नॉट गो इन टू इगोइस्टिक मोड कि नो आई हैव टू अटेम्प्ट ईच एंड एवरी क्वेश्चन. यू डू नॉट इवन हैव टू अटेम्प्ट ईच एंड एवरी क्वेश्चन. यू शुड बी स्मार्ट इनफ टू जज योर सेल्फ दैट विच क्वेश्चन is that I can do easily. अगर माउंट एवरेस्ट चढ़ना नहीं आता है तो किसी ने बोला है कि तुम्हें माउंट एवरेस्ट चढ़ो? नहीं सर, मेरा मन है मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ जाऊंगा. तो माउंट एवरेस्ट चढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, अपने छोटे मोटे हिल से भी काम चल जाएगा. सो यू शुड बी स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड दैट पॉइंट. इससे से डायरेक्टली रिलेटेड इज योर टाइम मैनेजमेंट. अनरेलीवेंट क्वेश्चंस आप उठाओगे उसको अटेम्प्ट करोगे, हर 10 मिनट दे दोगे, उसके बाद गलत हो जाएगा वो. एंड देन यू स्टार्ट इन पैनिक मोड. लेकिन जब पैनिक मोड एक बार स्टार्ट हो जाता है, यू नो व्हाट हैपेंस? फिर जो इजी इजी क्वेश्चन है दैट आल्सो कीप्स डूइंग करेक्ट. सिली मिस्टेक्स होने लगती हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक होने लगती हैं. यू विल नॉट रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली. यूपीएससी में वन मोर ट्रिक इज देयर, नो मैटर व्हाट हैपेंस प्लीज रीड योर ऑलवेज क्वेश्चंस वेरी वेरी स्लोली. हाफ ऑफ द मिस्टेक इज कमिटेड बाय व्हेन वी विल हैव फुल कोर्स देन आई विल इवन मेक यू अंडरस्टैंड कि कौन सा क्वेश्चन था, कहाँ पे क्या मिस हो रहा है. सो एंड यूपीएससी इज स्मार्ट इनफ. यूपीएससी बहुत स्मार्ट है, वो क्या करेगा कि जो आप मिस करोगे उसका पहला ही ऑप्शन यू विल सी इज ए. वही ऑप्शन आपको ए ऑप्शन में मिल जाएगा. सो नेवर डू दैट थिंग कि ओके सो नेवर डू दैट थिंग कि जस्ट अ सेकेंड. Never do that thing कि what I was talking about is basics. So never do that thing कि panic mode में चले जाना है. Always maintain your calm during the exams. Okay? But for that you have to be equipped also. देखो बहुत एक famous saying है, it's better to sweat in practice than to bleed in battle. तो भाई जितना practice कर सकते हो अच्छी तरीके से वो कर लो ताकि जो real exams हो जाए उसमें ज्यादा problem ना हो. Okay? Further any doubt? Then we'll start with the course details and everything. Chat. How to start? Where to start? Which book to solve? Any book you can start. CSAT ka. There is no divert focus on numbers. Do you recommend solving CAT level questions from now on? Not all the topics. Number system is must. You should try CAT level questions from your number system, but not all the topics. Still, that thing, profit and loss, simple interest, compound interest. Those are not very very us level ke question nahi aa rahe. Okay, so what you should do is that you should prepare at least 2 topics from your CAT level book, that is number system and
दैट इज सफिशिएंसी। रेस्ट के लिए स्टिल जो भी आप कर सकते हो वो कर लेता। वेयर टू स्टार्ट एंड वेयर टू प्रैक्टिस, हाउ टू स्टार्ट एंड हाउ टू प्रैक्टिस। सी स्टार्टिंग में यू कैन, इफ यू आर वेरी गुड इन बेसिक्स तो आई विल से बुक, टेक एनी बुक। बट अगर बेसिक्स ही आपका बिल्कुल कमजोर है, एक काम करो एनसीईआरटी उठाओ, 9th 10th 11th 12th एटलीस्ट मैथ्स की। मैथ्स की एनसीईआरटी उठाओ, जो उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट से पहले वो क्लियर करो, उसके बाद धीरे धीरे अपना अपना लेवल बढ़ाओ। अरिहंत अर्लियर इट यूज टू बी इनफ, नाउ इट इज नॉट। पहले अरिहंत मैं खुद डील यूज करता था अपने रेफरेंस के लिए, पहले होती थी टिल द ईयर 2022 ओनली। जो लेवल 2023 का है, अरिहंत इज नॉट इनफ, यू हैव टू टेक अदर बुक्स। टाटा मैग्रो हिल्स हैं, अरुण शर्मा हैं, दोज आर गुड कैट लेवल बुक्स यू कैन टेक। और इफ यू वांट टू टेक अरिहंत, टेक इट फॉर कैट, कैट लेवल अरिहंत यू कैन टेक। ओके, एनी अदर डाउट्स? किसी और को कोई डाउट है? चलो स्कोर क्या हुआ ये बताओ, कौन कौन मैच भी देख रहा है, व्हाट इज द स्कोर? जस्ट किडिंग, बोलो हमारा मैच तो यहाँ चल रहा है। सो वन थिंग इज फॉर देयर कि डू नॉट गेट टू मच यू नो डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम द मेन पाथ दैट यू आर ऑन। सो कवरिंग योर बेसिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आइदर इवन फॉर सी सेट, इवन फॉर GS1 ऑल्सो। GS1 ऑल्सो आई वुड रिकमेंड कि अपने बेसिक्स इफ दैट मच यू कैन क्लियर, देन इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो दिस इज अबाउट मी। ओके, I have 5 years of experience, 4 year UPSC means 2 times interview, 3 times SGL and RPA grade B. Right now, I'm also working for Government of India. Somebody is saying something. Let me check the chat. Is Arian is which topic? Number system. Number system is the holy grail of your CSET. Number system se zyada question kahin nahi hai. Number system, data sufficiency, syllogism and rest to thode 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 aata rehta hai. एवरेज से एक दो क्वेश्चन आ जाएंगे, परसेंटेज से आ जाएंगे, HCF HCF से आ जाएंगे, बोर्ड से कभी आते हैं कभी नहीं भी आते हैं, SICI कभी आते हैं कभी नहीं भी आता है। बट नंबर सिस्टम, परसेंटेज, एवरेज, रीजनिंग में साइलोगिज्म, डाटा सफिशिएंसी, लास्ट ईयर सरप्राइजली क्यूब से 2 क्वेश्चन थे। ओके, सो 2 क्वेश्चन इफ यू आर टेकिंग फ्रॉम क्यूब्स, मतलब क्यूब्स का वेटेज हैज इंक्रीज्ड। ओके, नेक्स्ट स्लाइड विल टेक, then I'll come back to you. So this will be a feature of the course, solving numerical without using any formula. I will not say without using formula, but जो basic formula है वो आपको आने चाहिए, like simple interest. Let me change the color of the pen. black ले लेते हैं, नहीं black पे black अच्छा नहीं रहेगा, red ले लेते हैं. like simple interest you know is principal into ratio of PRT upon 100. And compound interest is equal to P1 plus R by 100 raised to the power N. Now, these are the 2 basic formulas. So, if I say without any formula, that's not the case. But jo basic, basic, simple, simple formula hai, only that you should know. Like you know, profit is equal to SP minus CP or loss is equal to CP minus SP. Now, all these are the basic formulas. So, this much you should know. Rest will not do too much into giving, मतलब dealing with बहुत बहुत ज्यादा heavy formula हम लोग इस course में use नहीं करेंगे. Major जो हमारा emphasis रहेगा वो रहेगा tricks पे. Tricks भी ऐसी नहीं है कि जो हर question में हर trick लग जाएगी. ठीक है, tricks की भी specificity होती है. Like I use assumption techniques. और तो वो question भी specific होंगे जहाँ assumption होती है. लेकिन this is the most सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा कलेबरेटिव यही टेक्निक है, एजम्पशन टेक्निक, या तुम्हारी सेकंड है ऑप्शनल एलिमिनेशन, कि कैसे ऑप्शन को एलिमिनेट करना है। इट सेव्स योर टाइम आल्सो एंड इट ऑल गिव्स यू हाई एक्यूरेसी आल्सो। सो ये जो टेक्निक है ये बेसिक टेक्निक है। इसके अलावा जो आपकी टॉपिक वाइज टेक्निक्स होती हैं, जस्ट अ सेकंड, आई थिंक लाइट हैज गॉन, गिव मी अ सेकंड। ओके, लाइक योर एवरेज, कि एवरेज का क्वेश्चन है देन देयर विल बी ट्रिक्स होंगी, एवरेज की ट्रिक्स होंगी, या SICI का क्वेश्चन है तो उसमें भी ट्रिक्स होंगी। तो वो जो ट्रिक्स हैं, जैसे तुम्हारे नंबर सिस्टम है तो नंबर सिस्टम में भी ट्रिक्स हैं। ट्रिक्स क्या है? बेसिकली स्मॉल स्मॉल कॉन्सेप्ट्स हैं, लाइक डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 11 13 2 3 6 9। तो ये स्मॉल स्मॉल कॉन्सेप्ट है दैट यू हैव टू रिमेम्बर, मतलब रिमेम्बर इन द सेंस नोट डाउन एंड रिवाइज। रिमेम्बर मतलब ये नहीं है कि उठाओ और रटना स्टार्ट कर दो, रटने का बिल्कुल कॉन्सेप्ट नहीं होता सी सेट में। रटना जाओगे डूब जाओगे, डूबो मत,
तैरो, ओके। सो ये जो चीजें हैं इनको अपने अपने लेवल पे कौन सी ट्रिक कहाँ लगेगी, कैसे लगेगी, कौन सी ट्रिक कभी यूज करनी चाहिए, कौन सी नहीं भी करनी चाहिए। जरूरी नहीं कि अजम्पशन ट्रिक हर क्वेश्चन में लगे, बट देन यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ कि देखना है कि कहाँ लग रही है कि कहाँ नहीं लग रही है। ओके, PYQ डिस्कशन विल बी देयर लास्ट 2018 से 2023 तक के जितने भी PYQs हैं, वी विल डिस्कस इट। अब सर आप मेरे से पूछते हैं सर 2017-12 क्यों नहीं करते, बिकॉज स्टैंड्स आर चेंजिंग। ओके, जो क्वेश्चंस टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट वर आस्क्ड इन 2011, 12, 13, 14, 15 अप टू 17 आर नॉट रेलिवेंट टुडे। सो क्यों मेहनत करनी है उस चीज को लेकर? हम लोग उस चीज पर ज्यादा काम करेंगे कि जो हमें रिसेंट ट्रेंड में है, सो दैट आउटपुट रेशियो बिकम्स मोर। So all the PYQ we'll discuss from the year 2023, and that too we will do with chapter wise. There is no mean कि मैं पूरा कोर्स कंप्लीट कर दूं एंड देन वन डे मैं बैठ जाऊं भाई 2022 का पेपर लेके और चोर सॉल्व करते, नहीं। जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट होता जाएगा वैसे वैसे आपके PYQ उस पे उससे रिलेटेड PYQ। सपोज नंबर सिस्टम कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने, तो 18 से 23 तक जितने भी आपके नंबर सिस्टम के PYQs आए हैं, वी विल डिस्कस दोस लाइव इन द क्लास अलॉन्ग विद दिस। इस बार मैं एक और फीचर डाल रहा हूँ कि जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उससे कैट रिलेटेड क्वेश्चंस वी विल आंसर डू। कैट रिलेटेड अगर कोई अच्छी बुक आप देखोगे तो कैट रिलेटेड क्वेश्चंस आर ऑफ 3 लेवल्स, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। जो लेवल 3 है दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज फॉर हार्ड कोर MBA स्टूडेंट्स, बट लेवल 1 एंड लेवल 2 इज स्टिल इम्पोर्टेंट। मैनी क्वेश्चन जो 2023 में थे दे आर टेकन फ्रॉम दिस लेवल 1 और लेवल 2 ऑफ CET। सो हर टॉपिक से रिलेटेड ज्यादा नहीं लेकिन 5-5, 10-10 क्वेश्चन दोज हु आर आस्क्ड इन कैट और दोज का लेवल जो कैट का है, वी विल डिस्कस दोज इन आर क्लास। ओके, देन वील ऑल्सो प्रोवाइड यू विद द मॉक टेस्ट, 4 सेक्शनल एंड 4 फुल, नॉट दिस इज नॉट मंथ, फुल 4 मॉक्स। ओके, सेक्शनल में से एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का हो गया, देन 5 टॉपिक्स विल टेक फ्रॉम एप्टीट्यूड एंड वी विल टेक अ मॉक ऑन दैट। ओके, देयर विल बी अ सेपरेट टेलीग्राम ग्रुप जिसमें आई विल बी ऑल्सो टेस्ट। तो कई बार ऐसा होता है कि आप लोग कुछ पढ़ रहे हो नहीं आ रही समझ में, या कोई रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हो एंड यू आर नॉट एबल टू गेट द पॉइंट, या कोई कॉन्सेप्ट क्लियरिटी चाहिए, तो यू कैन ऑलवेज गेट मी इन टेलीग्राम। हो सकता है मैं उस समय आंसर ना दे पाऊँ, मे बी जॉब में हूँ या कोई मीटिंग चल रही है, बट इवेंचुअली आई विल गेट बैक टू यू। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज डाउट क्लियरिंग सेशंस। डाउट क्लियरिंग सेशंस वी विल कीप इन द एंड ऑफ द कोर्स। जैसे जैसे मतलब पहले एक बार आपका कोर्स हो जाएगा, देन रिवीजन कम डाउट, आई डू नॉट कॉल इट डाउट क्लियरिंग, कॉल इट रिवीजन कम डाउट क्लियरिंग सेशंस, ताकि मतलब चीजें फ्रेश रहे। अभी आपका यू नो 3 मंथ्स में वील फिनिश द कोर्स, बट देन यू नीड अ रिविजन ऑल्सो, अदरवाइज चीजें क्या होती है माइंड से निकलती जाती है। माइंड से निकलती रहेंगी तो सब भूल जाओगे, सब भूल जाओगे तो एग्जाम में फिर मुझे गाली दोगे सर ने कुछ पढ़ाया नहीं। सो वी विल हैव रिविजन्स एज डाउट क्लियरिंग सेशन, सो दैट आप मेन से पहले नॉट मेन्स प्रीलिम से पहले यू बिकम्स होली प्रिपेयर्ड। बिफोर मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड, एनी डाउट्स, किसी को कोई डाउट है? आर यू एबल टू कॉम्प्रिहेंड व्हाट आई एम सेइंग? ये ऐसे ही हो रहा है, सब ऊपर से आ रहा है। कुछ बोलो, या म्यूट कर रखा है इसलिए बोल नहीं पा रहे हैं। चलो चैट कर दो। ओके, दिस इज द ब्रेक ऑफ द सीसेट पेपर। एवरेज जो हमारा रहता है वो 25, 40, 50, नॉट 25, इट इज 2020 पेपर एवरेज, जो 2023 में रहा है वो दिस इज ऑल्सो 30, दिस इज 25 एंड 25, तो प्लस माइनस इसी के अराउंड रहता है। 25 क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, कभी कभी ये होगा कि +2 हो जाएंगे या -2 हो जाएंगे। सिमिलरली एप्टीट्यूड विल बी 30, +2 -2 इसमें भी चलता रहेगा या इसमें भी +2 -, लेकिन एवरेज अराउंड 25, 30 एंड 25, दिस इज द होल शेड्यूल। अब कई लोग क्या करते हैं कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को इग्नोर कर देता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ही है, क्योंकि आंसर बहुत इजी होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का। ओके, क्वांट में तो यू हैव टू कैलकुलेट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आंसर इज देयर इन द पैसेज ओनली,
कॉम्प्रिहेंड एप्टीट्यूड में तो यू नीड टू अपने दिमाग लगा के निकालना है, बट इन रीडिंग कॉम्प्रिहेंड आंसर इज देयर इन द पैसेज, यू जस्ट नो हाउ टू डिग इट अप. ओके, सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, देखो हर तीन में तो यू कैन नॉट गेट मास्टरी, सो आई रिकमेंड टू डू एनी टू, एब्सोल्यूट मास्टरी एनी टू. इफ योर क्वांट इज स्ट्रॉन्ग, गो फॉर क्वांट प्लस इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन. इफ योर रीजनिंग इज स्ट्रॉन्ग, देन गो फॉर रीजनिंग पर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. इफ यू बट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हैज टू बी देयर, उसको यू कैन नॉट स्किप. सो आइदर यू मेक योर क्वांट एब्सोल्यूटली फाइन, फुल प्रूफ, आइदर यू मेक योर रीजनिंग फुल प्रूफ, दैट डिपेंड्स ऑन यू. ऑफकोर्स आई विल टीच यू ऑल द थ्री. ओके, सो दिस विल बी द टॉपिक्स दैट विल बी कवर्ड. नंबर सिस्टम है, एलसीएम है, एवरेज है, दिस बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एलसीएम है, एचसीएफ है, एवरेज है, परसेंटेज है, रेशियो है, टाइम है, ऑल दोज कॉमन टॉपिक्स दैट आर देयर इन ईच एंड एवरीवेयर. We do that. Probability is there, permutation, combination. Especially, I will focus on these two, क्योंकि जो level of question asked है वो आप deep में गए हैं, so we'll try to cover as deeply as possible. Absolutely, सब कुछ तो नहीं पढ़ सकते आप भी, और सब कुछ मैं पढ़ा भी नहीं सकता हूँ. If you want to do thesis on probability, you are free to do that. But जितना relevant है as point of view from your course as well as exam, we will try to cover it. Similar is the topic with reasoning. एक जो इसमें mention नहीं है, that is English comprehension. So I will take care of that also. There are various tricks that are there for reading English comprehension. So we will take care of that tricks also. And once those tricks become clear to you, then reading comprehension will be very, very easy. बहुत easy हो जाएगा. कई बार तो ऐसा हुआ कि आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑप्शन देख के ही आप आंसर निकालना सीख जाएंगे. ओके, बट एब्सोल्युटली मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, वो तब के लिए जब बिल्कुल भी टाइम नहीं हो, देन यू कैन इजिली एलिमिनेट टू ऑप्शन विदाउट इवन लुकिंग एट द पैसेज. ओके, सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आल्सो विल कवर, विल डिस्कस ऑल द पीवाईक्यूज 18 से 2023 के. पीवाईक्यू डिस्कशन के साथ ही आई विल शेयर यू द ट्रिक्स, कीवर्ड्स, कीवर्ड्स कौन-कौन से, अजम्पशन का क्या मतलब है, क्रक्स, सेंट्रल आइडिया, व्हाट डज दैट मीन. All those things I will take care of. Somebody is saying something. When will class start? Class will start gradually. We'll planning to launch it pretty soon. Give us a time. थोड़ा रहम कहो बच्चों पे. Do that, okay? We'll try to do as soon as possible. We understand your anxiety and everything. तो अभी हम लोगों को थोड़ा सा कोर्स स्ट्रक्चर और फाइनली डिजाइन करना है. Then that management will take a call as soon as possible. Okay. Now PYQ, some of PYQs will discuss, and इसके बाद we'll try to do some questions of 2023 also. But before we start, I want you to please tell me your doubts. What are your doubt? Anybody can having any doubt can ask me to unmute. मैं उसको unmute कर दूंगा. Then you can ask yourself. Or either you can type in chat also. I'll give you 2 minutes. किसी को कोई डाउट नहीं है, सबके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है. सीसेट का देखो यार, घबराना नहीं है. मोस्ट इंपोर्टेंट दैट आई हैव सीन पीपल आर कि अफ्रेड हो जाते हो. डू नॉट गेट अफ्रेड. अफ्रेड होने जैसी कोई चीज नहीं है. एक बहुत हिंदी में सेइंग है भाई, जब ओखल में सर दे दिया तो मूसल से क्या घबराना. सिंस यू हैव स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, जब आपने डिसाइड कर ही लिया है कि नहीं आईएएस ही बनना है, तो आईएएस की तो लाइफ वैसे भी बहुत टफ होती है इवन आफ्टर सिलेक्शन. सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट. लाइफ पहले भी टफ होगी, बाद में भी टफ होगी, सो बी प्रिपेयर्ड. सेकेंड थिंग इज दैट कि पैनिक नहीं होना. पैनिक एंड एंजाइटी आर दो सबसे बड़े दुश्मन है कोई एस्पिरेंट के. आई पीपल बिकॉज आई हैव बीन एन एस्पिरेंट फॉर 10 ईयर, सो आई कैन टेल यू दैट एंजाइटी भी होती है. फॉर्चुनेटली आई हैड अ जॉब सेकेंड ईयर में. आई टुक अ जॉब एज एन एसएससी एस्पिरेंट, बट आई कैन अंडरस्टैंड दोज हु आर अनएम्प्लॉयड, उनके लिए बहुत प्रॉब्लम होती है. सो प्लीज डू नॉट गेट फील इन एजिलिटी. वो गाना है ना, अपना टाइम आएगा, टेक केयर इट. ओके, यस आई नो एवरीबडी. या आई क्रिएट आरबीआई ग्रेड बी, बट आई डिडंट ज्वाइन. पोस्टिंग वाज इन मुंबई, और मैं अपने घर से, यू नो, दिल्ली के दिल वालों का शहर है राइट नाउ, सो दिल्ली में ही मेरे को पसंद था. You're ready? Everybody is ready?
हाउस द जोश डाउन सर? सर मैच देख रहे हैं अभी, को जोश के बारे में मत पूछो। चलो विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। दिस वाज क्वेश्चन, ये देखो मैंने क्वेश्चन स्पेसिफिकली एक चीज के लिए दिखाने के लिए आया कि भैया लग रहेगा क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है लेकिन होता नहीं। देखो क्वेश्चन को, पी क्यू आर एन एस बी एन नेचुरल नंबर्स। सो पहली चीज, या आई हैव डन इट, आई हैव क्लियर इट। यूपीएससी तो नहीं हो पाया, आरबीआई तो हो ही गया। यूपीएससी हैव रीच इंटरव्यू लेवल। आरबीआई दैट वाज द फर्स्ट ईयर 2013 में जब दे हैव चेंज्ड द पैटर्न। तो फाइनेंस मेरी जो जॉब है दैट इज रिलेटेड टू फाइनेंस एंड अकाउंट्स, सो आई वाज प्रीटी वेल वर्स्ड इन दैट। हो जाती है, दोनों हो जाती है, करनी भी चाहिए। डू नॉट टेक यूपीएससी को ही सब कुछ अपना मतलब ये संगनी मान के बैठ जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। यू शुड ऑलवेज हैव प्लान बी रेडी। यूपीएससी इज क्रूअल, लाइफ इज क्रूअल, आई एम टेलिंग यू दैट एज एन एस्पिरेंट, आई एम टेलिंग यू। हाँ इट इज डिफिकल्ट टू प्रिपेयर बट देन यू हैव टू डू इट। मैंने अभी तुम्हें वो दी मिसाल भाई, जब ओखली में सर दे दिया तो मूसल से क्या घबराना। अगर ओखली में सर दे दिया तो मूसल तो पड़ेगा ही पड़ेगा, डिफिकल्टी तो आएगी आएगी। ओके आर इज ग्रेटर नंबर, अच्छा चलो विल डू इट। लेट्स पी कैन आई एस बी नेचुरल नंबर सेट दैट पी माइनस 2016 इज इक्वल टू एस माइनस 2017 इज इक्वल टू आर माइनस 2018 इज इक्वल टू एस प्लस 2019। विच ऑल ऑफ फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर। सो फर्स्ट थिंग जो आपको समझ में आना चाहिए कि अगर मैं नेचुरल नंबर की बात कर रहा हूं तो इसमें जीरो नहीं आता है। आप बोलेंगे सर इस क्वेश्चन का इससे क्या रिलेवेंस? कोई रिलेवेंस नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए कि जी नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, होल नंबर कौन से होते हैं, रियल कौन से होते हैं, क्योंकि जो आपके डाटा सफिशियंसी के क्वेश्चंस होते हैं उनमें इनका बहुत एक्सक्लूसिवली यूज होता है, नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर स्पेशली। क्वेश्चन पूछा गया है कि ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं पी क्यू आर एस, अब बताओ विच ऑफ दिस इज द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर। अब इनमें से लार्जेस्ट बताओ। कैन एनीबडी टेल मी द आंसर नाउ? आई एम कमिंग बैक टू लवली। आर इज ग्रेटेस्ट, हाउ आर इज ग्रेटेस्ट, व्हाट हाउ यू डू दिस, कैसे कैसे पता चला आर इज द ग्रेटेस्ट नंबर? पहले पढ़ रखा है, यस सर, थोड़ा बहुत पढ़ रखा है। पढ़ रखा है नहीं मतलब कैसे, मतलब क्वेश्चन तो पहले देखा ही होगा ऑब्वियसली, 2022 का है, पी बाई सर क्यू सॉल्व सर किया। सर 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 एस की वैल्यू 0 लेट की मैंने, उसके बाद लास्ट के दो का कंपेयर किया, वहां से एक वैल्यू निकली, फिर दो को कंपेयर किया, वहां से निकली, फिर सारे को कंपेयर किया, तो आर ग्रेटेस्ट थी। अच्छा बहुत अच्छा टेक्निक है, इन्होंने एस की वैल्यू जीरो रखी एंड उसके बाद सारे को कंपेयर कर लिया इन्होंने। मैं और बताता हूँ, तुमने एस की वैल्यू जीरो रखी तुम आर की भी रख सकते थे, एंड व्हाट इज दिस क्यू, क्यू यू आल्सो यू कैन टेक, देयर इज आल्सो अ शॉर्टकट, नोबडी टीचेस यू दैट। सी ऑल दीज आर नंबर्स आर इक्वल टू ईच अदर, व्हेन दीज आर इक्वल टू ईच अदर यू कैन अज्यूम देम टू बी इक्वल टू सम अदर नंबर। Now I can assume them be equal to 100 also. I can assume them equal to 1000 also. I can assume it to be equal to 1 lakh also. But लेकिन हमारा calculation कब easy होगा? I will assume them to be equal to zero. Now you see P becomes 2016. Q becomes 2017. R becomes 2018. S becomes minus 2019. Sorry, this is Q minus equal to R plus, okay. Q is minus 2017. Now, if you ask me which of these is the largest, R is the largest. Okay. Now, the technique that she did is also okay. बट उसमें भी कैलकुलेशन है, पहले एस को जीरो रखोगे, आर की वैल्यू निकालोगे, फिर क्यू की वैल्यू निकालोगे, फिर पी की वैल्यू निकालोगे, फिर कंपेयर करोगे। क्यों इतनी मेहनत करनी? क्वेश्चन क्या पूछा गया कि भाई सब इक्वल है, मान लो इक्वल, तुम 1000 से मान लो, तुम 10000 से मान लो, तुम 20 लाख से भी मान लो, क्या फर्क पड़ने वाला है? लेकिन हम किससे मानेंगे? हम मानेंगे जीरो से। क्यों? क्योंकि इजी पड़ेगा। हमारा काम क्या है? क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना, कोई थीसिस लिखना तो नहीं है। नाउ दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ अजम्पशन मेथड। हाउ यू अज्यूम सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन, योर आंसर विल कम डायरेक्टली टू इट। ओके वन मोर क्वेश्चन विल डू। A digit n greater than 3 is divisible by 3 but not divisible by 6. Which of the following is divisible by 4? भाई एक डिजिट है जो 3 से डिवाइड हो जाती है,
और 6 से डिवाइड नहीं होती है, तो एक ही डिजिट है जो 3 से डिवाइड हो जाती है और 6 से डिवाइड नहीं होती है। कौन सा डिजिट है? 9। बस यही आंसर था, एन इज इक्वल टू 9। पुट वैल्यू ऑफ एन, इज 18 डिविजिबल बाय 4? नो। इज 27 डिविजिबल बाय 4? नो। इज 22 डिविजिबल बाय 4? नो। इज 28 डिविजिबल बाय 4? यस। सो व्हाट विल बी योर आंसर? 3n+1। नाउ दिस इज नॉट एन अजम्पशन मैटर, दिस इज अ फुल प्रूफ मैटर। ऑलवेज सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन, योर आंसर विल ऑटोमेटिकली पॉप आउट। ओके, वन मोर क्वेश्चन विल डू। ये भी मुझे सबसे प्यारा लगता है। इस क्वेश्चन को 99% स्टूडेंट ने छोड़ दिया था देख के कि भाई इतना बड़ा क्वेश्चन है, हम नहीं करेंगे। ओके, एनी प्रीवियस डाउट इन दोस टू क्वेश्चंस? समझ में आया कैसे हुए वो दो क्वेश्चंस? सो दिस आर द टाइप ऑफ ट्रिक्स। मैं ये नहीं बोलूंगा सारे ट्रिक्स यही ऐसे ही हो जाएंगे, सारे क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएंगे, नहीं। लेकिन ये दिस शुड बी योर अप्रोच कि अपने क्वेश्चन को कैसे सिंप्लीफाई करो और अपने क्वेश्चन को कैसे इजी करो। लुक एट दिस क्वेश्चन। अ बायोलॉजी क्लास, अ हाई स्कूल प्रेडिक्टेड दैट अ लोकल पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स विल डबल इन 12 इयर्स। द पॉपुलेशन एट द स्टार्टिंग ऑफ 2021 इज 50। ईपी रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन आफ्टर नंबर ऑफ इयर्स एंड फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन पी एंड एन। आधे स्टूडेंट ने तो देख के छोड़ दिया भाई, हे भगवान इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया, पी और एन दोनों पूछ लिया, पता नहीं क्या क्या इक्वेशन दे रखी है, कैसे करेंगे। मालिक क्या बोला, इफ द सेटिस्फाई द क्वेश्चन, क्वेश्चन की सेटिस्फाई करो इक्वेशन, अपने आप वैल्यू निकलेगी। पॉपुलेशन स्टार्टिंग ऑफ 2021 इज 50। हमें पता है कि भाई इनिशियल पॉपुलेशन हमारी क्या है, वो है 50। पी रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन आफ्टर नंबर एन। अब हर 12 साल में डबल हो जा रही है, मतलब अगर एन इक्वल टू 12 हो गया तो पी कितना हो जाएगा? 100। पुट द वैल्यू ऑफ पी इक्वल टू 100 एंड एन इक्वल टू 12 इन द इक्वेशन, सी वुड सेटिस्फाई इट। एन इक्वल टू 12 में डबल हो रही है, पहले 50 थी, एन इक्वल टू 12, 12 साल में मेरी पॉपुलेशन 100 हो गई। टी की वैल्यू हमें पता है 100, एन की वैल्यू पता है हमें 12, पुट करके देख लो बस। ये क्या हो जाएगा, 12 इंटू 15 इंटू 12 भाई 100 के बराबर है, सॉरी 12 प्लस 15 इंटू 12, नहीं। ये देख लो 50 प्लस 12 इंटू 12, ये 100 के बराबर है, नहीं। 50 इंटू 2 रेज टू द पावर 12 इंटू 12, क्या ये 100 के बराबर है, नहीं। क्या आंसर आ जाएगा, 50 इंटू 2 रेज टू द पावर 12 बाई 12, ये आ जाएगा 150 इंटू टू दैट इज 100। पी के वैल्यू 100 है, LHS इक्वल टू RHS, व्हाट विल बी माय आंसर? यस। ओके, सो दिस इज जस्ट अ ग्लिम्स ऑफ हाउ यू शुड अप्रोच द क्वेश्चन। मैं नहीं बोला कि सारे क्वेश्चन ऐसे भी हो जाएंगे, बट दिस इज जस्ट अ ग्लिम्स ऑफ हाउ यू शुड अप्रोच द क्वेश्चन। नाउ वील टेक सम ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम 2023, बट बिफोर वी स्टार्ट आई वॉन्ट यू टू आस्क समथिंग। कोई दिल में ख्याल अगर आ रहा हो तो पूछ लीजिए। जस्ट किडिंग, उर्दू में ही बातें कर सकते हैं, आई डोंट हैव एनी इश्यूज। इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज डू आस्क, then we'll discuss the paper of 2023, few of the questions, not all the paper, all the paper करने जाएंगे तो बहुत लेट हो जाएंगे, but few of the parts we'll discuss. That two by tricks. Screenings. Just a second, some issue is there. What happened? क्या हो गया यार? Okay. Yeah, this is paper 2023. Is the screen visible? स्क्रीन विजिबल है? यस सर, ओके, दिस इज द पेपर आस्क्ड इन 2023।
We'll discuss some of the questions. Comprehension we'll skip. We'll do question number four first. Now, this looks like a slightly difficult paper, but if you know the basics, it would have been a cakewalk. Like in a problem, look at the question. Raju has 10 pair of red, 9 pair of white, and 8 pair of black shoes in a box. Bhai, Raju ke paas kya hai? 10 red hai, 9 white hai, aur 8 black hai. Ye kya hai? Pairs hai. Pairs means, ek pair mein kitne hote hai? 2. Ek left aur ek right. Matlab Raju ke paas is dibbe mein 20 total red shoes ho gaye. 18 तुम्हारे व्हाइट हो गए और 16 तुम्हारे ब्लैक हो गए, ठीक है। अब राजू ने क्या किया, इफ ही रैंडमली पिक शूज वन बाय वन विदाउट रिप्लेसमेंट, एक करके करके जूते से एक एक जूता वो निकालता रहा फ्रॉम द बैग्स टू गेट अ रेड पेयर ऑफ शूज। क्यों निकाल रहा था? कि भाई मुझे रेड पेयर ऑफ शूज चाहिए, मतलब एक रेड चाहिए और एक रेड व्हाइट चाहिए और एक रेड सॉरी एक रेड राइट चाहिए और एक रेड लेफ्ट चाहिए। तो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट ही हैज टू मेक, यू हैव टू टेल मी द मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट ही हैज टू मेक। अब क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, भाई राजू को इसमें से दो ही जूते चाहिए, एक लेफ्ट और राइट, लेकिन उसे अटेम्प्ट मैक्सिमम करने हैं। तो जब उसे अटेम्प्ट मैक्सिमम करने हैं तो क्या वो पहले रेड निकालेगा कि बाकी निकालेगा? उसको ज्यादा मेहनत करनी है, तो उसको जब ज्यादा मेहनत करनी है तो रेड को तो पहले वो छुएगा ही नहीं, पहले वो सारे ब्लैक और व्हाइट निकालेगा, तभी उसके अटेम्प्ट मैक्सिमम होंगे, तभी वो ज्यादा मेहनत करेगा। तो व्हाइट कितने हैं? 18। ब्लैक कितने हैं? 16। तो टोटल कितने निकाल लेगा पहले वो? 34। भाई इस बॉक्स में से व्हाइट और ब्लैक दोनों हो गए खत्म, अब बचे सिर्फ 20 रेड। ओके, 20 रेड बचे। अब जब 20 रेड ही बचे उसके पास, अभी भी उसे मैक्सिमम एफर्ट करनी है, अभी भी उसे थक के नहीं बैठना है, मोदी है वो, ठीक है, उसे और ज्यादा मेहनत करनी है। तो वो क्या करेगा? वो या तो पहले पूरे 10 राइट निकालेगा या पहले पूरे 10 लेफ्ट निकालेगा, तभी तो उसके एफर्ट मैक्सिमम हो गए। मान लिया उसने एक लेफ्ट और राइट निकाल लिया तो मतलब खत्म हो गया उसका काम, बट ऐसा नहीं है, उसको और मेहनत करनी है। अब उसे चाहिए क्या? उसे एक पेयर चाहिए, पेयर चाहिए तो एक लेफ्ट भी चाहिए एक राइट भी चाहिए उसे। तो उसने क्या किया, उसने फिर सारे मान लो राइट निकाल लिए, तो राइट रेड हो कितने निकालेगा? 10। अभी भी उसकी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई है, अभी उसके पास सारे व्हाइट आ गए हैं, सारे ब्लैक आ गए हैं और जितने भी राइट शूज थे रेड कलर वाले वो आ गए हैं। लेकिन अब वो जैसे ही अगला निकालेगा, ऑलरेडी उसके पास 10 राइट हैं, तो जैसे ही वो अगला निकालेगा उसके पास एक पेयर हो जाएगा। सो व्हाट विल बी योर आंसर? 34 प्लस 10 प्लस 1 45। ठीक है, अब इसमें कोई फॉर्मूला नहीं था, कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, काउंटिंग थी सिंपल, लेकिन एप्लीकेशन ऑफ योर माइंड एग्जाम के टाइम पे इतना सोचना डिफिकल्ट हो जाता है। दैट्स व्हाई यू नीड टू ज्वाइन द मेंटर एंड कोर्स, जो तुम्हें ऐसे ऐसे ट्रिक्स बताता रहे, नॉट ओनली मी व्हिच एवर सूट्स यू। आई नेवर प्रमोट एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट, इट्स अप टू यू टू डिसाइड, ऑल ऑफ यू आर ग्रोन अप इंडिविजुअल्स। ओके, सो अब ये क्वेश्चन में क्या था? कोई फॉर्मूला था? नहीं था। कोई ट्रिक थी? नहीं थी। सिंपल सिंपल कैलकुलेशन थी, लेकिन कॉमन सेंस थी। सो जो मुझसे पूछ रहे थे सीसेट से यूपीएससी क्या चाह रहा है आपसे, यूपीएससी सिर्फ आपको कॉमन सेंस चाह रहा है, अनफॉर्चुनेटली कॉमन सेंस ही नहीं है। जब हम लोगों को पूरा कोर्स हो जाएगा देन यू विल अंडरस्टैंड कि जितने क्वेश्चन 2023 के कॉमन सेंस से, इट बिकम्स डिफिकल्ट नॉट बिकॉज ऑफ कॉन्सेप्ट, इट बिकम्स डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ योर कॉमन सेंस। व्हाट इज द रिमाइंडर, पार्डन, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 500? नाउ विल यू मल्टीप्लाई इट? है इतनी तो था, 85, 87, 89, 91, 95, 96, सबको मल्टीप्लाई करो 100 के साथ। नहीं, जरूरत भी नहीं है। लुक एट दिस, 17 कैन बी, 85 कैन बी रिटन एज 17 इंटू 5। सिमिलरली 95 कैन बी रिटन एज 95 इंटू 5 एंड 96 कैन बी रिटन एज 14 इंटू 4। तुम्हें क्या चाहिए? 100।
100 कहाँ से आ गया, 1 5 ये रहा, 1 5 ये रहा, 1 4 ये रहा, 5 × 5 × 4 इज 100। सो जब ये नंबर 100 से डिविजिबल होगा, मल्टीप्लीकेशन में तो 100 है ही, एक दूसरे को काट देगा, दैट मीन्स 100 इज अ फैक्टर ऑफ दिस नंबर। सो व्हेन 100 इज अ फैक्टर ऑफ दिस नंबर, व्हाट विल बी द रिमाइंडर? जीरो। जीरो। आई थिंक दिस वॉज रिलेटिवली वन ऑफ द इजिएस्ट क्वेश्चन। बिल्कुल। टू क्वेश्चन नंबर 10। डी इज अ थ्री डिजिट नंबर सच दैट द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द सम ऑफ इट डिजिट इज लीस्ट। व्हाट इज द रेशियो? रेशियो इज न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अब डी क्या है? एक थ्री डिजिट नंबर है जिसका रेशियो लीस्ट है। तो जब रेशियो लीस्ट है तो कौन बड़ा होगा, न्यूमरेटर कि डिनोमिनेटर? किसको तुम सबसे बड़ा करोगे अगर रेशियो लीस्ट है तो? डिनोमिनेटर को। जब डिनोमिनेटर जितना ज्यादा बड़ा हो सकता है उतना ही होगा, तभी तो न्यूमरेटर लीस्ट होगा, सॉरी रेशियो लीस्ट होगा। 5/4 एंड 5/6 विच इज लीस्ट? 5/6। क्यों? क्योंकि इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इज द लार्जर। ओके, दैट्स व्हाई 5/6 इज लेस देन दैट ऑफ 5/4। नाउ दिस इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो, कि अगर रेशियो कम करना है तुम्हें, या तो तुम न्यूमरेटर कम कर दो, अगर न्यूमरेटर पे कोई कंडीशन नहीं दे रखी है तो आप डिनोमिनेटर अपने आप जितना बढ़ सकता है बढ़ा दो। जितना ज्यादा आप डिनोमिनेटर बढ़ा सकते हो उतना अगर बढ़ा दोगे तो अपने आप ही रेशियो कम हो जाएगा। अब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, बट क्वेश्चंस बिकम लिटिल बिट ट्रिकी। ओके, सो अब मुझे न्यूमरेटर अपना मैक्सिमम करना है, लेकिन सॉरी डिनोमिनेटर मैक्सिमम करना है और न्यूमरेटर भी बहुत ज्यादा बढ़ाना नहीं है। न्यूमरेटर भी बहुत ज्यादा बढ़ाना नहीं है और डिनोमिनेटर मैक्सिमम करना है, तो मैं क्या करूंगा? ये है हमारी 3 डिजिट्स। मैं क्या करूंगा, मैं सबसे नीचे इसको रखूंगा 9 को डिनोमिनेटर, ताकि मेरा सम ऑफ द डिजिट्स बढ़ जाए। फिर मैं 9 को रखूंगा क्योंकि मेरा सम ऑफ डिजिट्स बढ़ जाए। फिर मैं क्या 9 को रखूंगा? नहीं, फिर मेरा सम ऑफ डिजिट बढ़ रहा है, लेकिन मुझे अब यहाँ पे रिवर्स सोचना पड़ेगा कि मुझे अपने न्यूमरेटर को सबसे कम भी रखना है। फिर मैं क्या करूंगा, इसमें मैं न्यूमरेटर को 1 दे दूंगा। 0 क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि 3 डिजिट नंबर है, 3 डिजिट नंबर 0 से स्टार्ट नहीं होता है। अगर मैं 99 करूंगा तो दैट विल बी अ 2 डिजिट नंबर, लेकिन मुझे क्या आंसर देना है? 3 डिजिट नंबर का। तो पहले दो कंडीशन मैंने 99 क्यों रखा? क्योंकि मुझे सम ऑफ द डिजिट बढ़ाना था। फिर मैंने 1000 प्लेस पे 1 क्यों रखा? क्योंकि मुझे न्यूमरेटर भी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ने देना था, कम करना था। अगर मैं से 9 कर देता तो ये 999 हो जाता। ओके, मुझे वो भी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाना था। नाउ लुक एट दिस, सो व्हाट विल बी माय नंबर? 199। सम ऑफ डिजिट एट द 100 प्लेस एंड डिजिट एट द यूनिट प्लेस ऑफ डी। 100 एंड यूनिट प्लेस, 100 इज 1, यूनिट प्लेस इज 9। व्हाट विल बी योर आंसर? राइट, क्लियर? नाउ दिस गोज फॉर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स, कि रेशियो में सिर्फ एक चीज से फर्क नहीं पड़ता है, रेशियो में दोनों चीजों से फर्क पड़ता है। न्यूमरेटर से भी उतना ही फर्क पड़ता है जितना डिनोमिनेटर से पड़ता है। न्यूमरेटर कम रखो और डिनोमिनेटर मैक्सिमम कर दो तो रेशियो अपने आप इजी हो जाता है। लुक एट क्वेश्चन नंबर 17। फॉर एनी चॉइस ऑफ वैल्यू एक्स वाई जेड, द सिक्स डिजिट नंबर ऑफ द फॉर्म एक्स वाई जेड एक्स वाई डैश इज डिविजिबल बाय। अब जो बेसिक ही, अगर आप जब डिविजिबिलिटी रूल पढ़ते हो, जनरली हम लोग नहीं पढ़ते हैं, 7, 11 है, 13 का छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्याएं हैं, इनको बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। लेकिन अभी यूपीएससी यही खेला कर गया, यूपीएससी ने तुमसे उसी का पूछ लिया। सिंपल रूल है, लास्ट की 3 डिजिट छोड़ दो, बाकी का नंबर उससे सब्ट्रैक्ट कर लो, या तो 0 आए या मल्टीपल ऑफ दिस रिस्पेक्टिव नंबर आए, तब वो तीनों से डिविजिबल होगी। अब लास्ट की 3 डिजिट छोड़ के रेस्ट ऑफ द नंबर क्या बच गया? एक्स वाई जेड।
अब एक्स वाई जेड माइनस एक्स वाई जेड कितना हो जाएगा? जीरो। जीरो होने की वजह से इट विल बी डिविजिबल बाय ऑल। और कोई नंबर ले लेना, सपोज यू टेक एग्जांपल 160030। नाउ यू वांट टू चेक फॉर द डिविजिबिलिटी ऑफ 13, सो व्हाट विल यू डू? यू विल टेक द लास्ट थ्री डिजिट, सबट्रैक्ट इट। 160 माइनस 0030 इज 130। 130 इज डिविजिबल बाय 13, दैट मींस दिस नंबर विल बी डिविजिबल बाय 13। नो, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन यूपीएससी कभी पूछता नहीं था इस पर। इस बार ये एमबी का कॉन्सेप्ट है, डिविजिबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर इज मेजर द कॉन्सेप्ट ऑफ योर एमबीए, बट यूपीएससी ने इस बार पूछा है। अब पूछा है तो भाई अब हमें पढ़ना पड़ेगा। लुक एट क्वेश्चन नंबर 18। कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। 125 identical cubes are arranged in the form of cubicle box. How many cubes are surrounded by other cubes on each side? Direct formula होता है, लेकिन formula भी use नहीं करना था। Question किसकी बात कर रहा है? Cubes की। Blocks कितने हैं? Cubes हैं। ये किसका cube है? 5 cube है। जब blocks ही 5 cube बता रहा है वो, तो हमारा answer किसका आएगा? किसी का cube ही आएगा। इसमें से कौन सा number है जो किसी का cube है? कौन सा number है जो किसी का cube है? 27 अब मैं जो assumption technique बता रहा था, look at question number 15. Consider the following respect of prime number P and composite number C. See, जब ये assumption करना start करो कि क्या assume करना है, obviously इसको तुम वैसे solve तो नहीं करोगे, assumption से करोगे। तो एक trick मैं दे रहा हूं कि जब prime number का related question हो, हमेशा two assume जरूर करना, क्योंकि जो maximum condition होंगी वो two से गलत हो रही होंगी। सो टू अज्यूम करना, उसके अलावा चाहे पांच कर लो या सात कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब कंपोजिट नंबर अज्यूम कर रहे हो, तो कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? जो प्राइम नहीं होते हैं। तो दो ही अज्यूम करना, या तो एक इवन कर लेना और एक ऑड कर लेना। नाउ क्वेश्चन इज पी प्लस सी अपॉन पी माइनस सी कैन बी इवन। जहां कैन वाला होता है वो 90% हो ही जाता है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये दोनों जगह इवन भी आ गए, दोनों जगह ऑड भी आ गए। सो पी प्लस पी माइनस पी कैन कैन वाला 90% हो जाता है। टू पी प्लस सी कैन बी ऑड, यस। टू इंटू टू इज फोर, प्लस नाइन, फोर प्लस नाइन इज 13। पी सी कैन बी ऑड, यस। फाइव इंटू नाइन इज 45। सो योर आंसर विल बी 3। ओके, वन मोर क्वेश्चन विल ट्राई टू डू बिफोर वी क्लोज द सेशन। कॉम्प्रिहेंशन कर लें एक, चलो इसका कर लेता है। लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर 26। पी क्यू आर एन आर, सर हिंदी में आ गया यार। पी क्यू आर एन एस आर डिस्टिंक्ट सिंगल डिजिट पॉजिटिव नंबर, देन व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ पी प्लस पी? आपको इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू बतानी है भाई। अब एक सिंपल कॉन्सेप्ट होता है कि दिस नंबर हैज टू बी ग्रेटेस्ट, मीन दोनों सेम होंगे तभी आपकी वैल्यू ग्रेटेस्ट होगी। मतलब पी प्लस क्यू विल बी इक्वल टू आर प्लस एस। आपको बाकी कुछ और नहीं सोचना था। अब जब दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, जो तुम्हारा आंसर होगा वो किसी का स्क्वायर ही होगा, जब दोनों नंबर सेम है। मैक्सिमम के लिए आई नो पी प्लस क्यू हैज टू बी इक्वल टू आर प्लस एस। सो जब हम इसका रिजल्टेंट ग्रेटेस्ट वैल्यू देखेंगे, कोई नंबर एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स से, दोनों सिमिलर है, तो तुम्हारा एक्स स्क्वायर ही होगा। इसमें से कौन सा नंबर है जो किसी का स्क्वायर है? 225। नाउ दीज आर सिंपल सिंपल ट्रिक्स। इसमें क्या मुझे और कुछ करने की जरूरत थी? नहीं, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ओके, बेसिक कॉन्सेप्ट पता ही होना चाहिए। लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर 26। Let x be a positive integer such as 7 plus 96 is divisible by x. So 7 plus x plus 96 upon is divisible by x. तो ये तो x x से कट जाएगा, इसका तो कोई इशू नहीं है। आपको 96 के फैक्टर्स निकालने हैं। अब बस 96 के फैक्टर्स निकाल लो। 96 को क्या लिख सकते हो? 32 into 3. 32 को क्या लिख सकते हो? 2 into 5 into 3. What are the factors? Plus 1 multiplied by plus 1. So 6 into 2 is 12. बट देन यू शुड नो हाउ टू कैलकुलेट दीज फैक्टर्स। कैसे कैलकुलेट करते हैं? हाउ सम ऑफ द फैक्टर्स आर कैलकुलेटेड?
ओके कॉम्प्रिहेंशन, चलो एक कॉम्प्रिहेंशन में कर लेते हैं, नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन व्हाट एवर विल कम विल डू इट। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। इन इंडिया द सेग्रीगेशन ऑफ म्युनिसिपल वेस्ट और द सोर्सेस रेयर, सो वी आर टॉकिंग अबाउट योर सेग्रीगेशन ऑफ म्युनिसिपल वेस्ट। हाउ डू यू सेग्रीगेट म्युनिसिपल वेस्ट? यू सेग्रीगेट इनटू टू कंपोनेंट्स, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल रिप्रेजेंट्स योर प्लास्टिक्स, बायोडिग्रेडेबल रिप्रेजेंट्स योर किचन वेस्ट। दिस इज जनरली सेंड टू इंसिनरेशन प्लांट और लैंडफिल्स एंड दिस इज कैलकुलेटेड टर्न ओवर इनटू योर मैन्योर पार्ट। रिसाइकलिंग इज मोस्टली विद द इनफॉर्मल सेक्टर, हाउ मच परसेंटेज इज अवर इनफॉर्मल सेक्टर? 90%। सो आर मोस्ट ऑफ द जॉब्स आर इन द इनफॉर्मल सेक्टर। मोर देन 3/4 ऑफ द म्युनिसिपल बजट गोज इनटू कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन। व्हाई? बिकॉज ऑफ द हायर वेजेस। दोज एम्प्लॉयज आर देयर, यू हैव टू स्पेंड योर मनी ऑन गिविंग दम वेजेस, एज वेल एज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज इन्वॉल्व, एज वेल एज सेग्रीगेशन इज इन्वॉल्व। सो म्युनिसिपलिटी दे टेंड टू डू वॉट इज, दे टेंड टू गिव मोस्ट एंड मोस्ट फोकस ऑन द वेजेस पार्ट। ओके, विच लीव्स वेरी लिटल फॉर प्रोसेसिंग, रिसोर्स रिकवरी एंड डिस्पोजल। वेयर डज वेस्ट टू एनर्जी फिट इन टू ऑल दिस? वेयर डज वेस्ट टू एनर्जी फिट इन टू ऑल दिस? सो नाउ द ऑथर इज चैलेंजिंग, कैन वी कन्वर्ट आवर वेस्ट इन टू एनर्जी? कैन वी कन्वर्ट दिस वेस्ट इन टू बायोथेनॉल? वी डू हैव अ बायोथेनॉल पॉलिसी, डोंट वी? हाउ मच इथेनॉल इज टू बी मिक्स इन पेट्रोल? हाउ मच, कितना होता है अभी पता करना। आइडियली इट फेल्स इन द चेन आफ्टर सेग्रीगेशन। सो व्हाट यू डू इज, फर्स्ट यू हैव टू सेग्रीगेट द वेस्ट, देन यू हैव टू कलेक्ट, देन यू हैव टू रिसाइकल। समबडी इज सेइंग समथिंग। 20%, गुड। एंड देन बिफोर गेटिंग टू द लैंडफिल, अनदर सिंग 20, गुड। व्हाइल टेक्नोलॉजी इज मोर एप्रोप्रिएट इन कन्वर्टिंग वेस्ट टू एनर्जी, डिपेंड्स ऑन व्हाट इज द वेस्ट। ऑब्वियसली इफ इट इज अ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, देन व्हिच हैज मोर कैलोरीफिक वैल्यू, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल? एक केले का छिलका जलाओ तुम, ज्यादा एनर्जी निकलेगी? घर की प्लास्टिक की बोतल जलाओ तो ज्यादा एनर्जी निकलेगी? किसमें ज्यादा एनर्जी निकलेगी? टेल मी, केले के छिलके में? केले के छिलके में मैक्सिमम मिस्टेक यही होती है, केले के छिलका कभी जलाया है किसी ने? भाई प्लास्टिक हैज मोर कैलोरीफिक वैल्यू। बायोडिग्रेडेबल बिकॉज उसमें मॉइस्चर इतना होता है, कहां से चलेगा वो? ओके, सो इट डिपेंड्स, वेस्ट टू एनर्जी के लिए इट डिपेंड्स ऑन द वेस्ट ऑल्सो, बायोडिग्रेडेबल वर्सेस नॉन बायोडिग्रेडेबल। इफ देर इज नॉन बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट, यू कैन बर्न दैट एज अ फॉसिल फ्यूल इन द कोल एंड थर्मल पावर प्लांट, बट फॉर बायोडिग्रेडेबल यू कैन नॉट बर्न इट, यू हैव टू फर्स्ट कन्वर्ट इट इन टू गोबर गैस और बायोमास, then you have to use that biomass. This is the basic difference between calorific value. That's why I specifically asked about your calorific value. The biodegradable component of India municipal solid waste is little over 50%, and biomethanation offers a major solution for processing it. Now they are talking about biomethanation. What is biomethanation? Conversion of waste into methane. Why we convert it into methane? Is methane a greenhouse gas? Yes or no? Is methane a greenhouse gas? No. Methane is one of the most potent greenhouse gas. जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेस हैं, सबसे ज्यादा डेंजरस मिथेन है, सबसे ज्यादा। जो पैमाना होता है, इफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 1, देन मिथेन इज अप्रोक्सीमेटली 1,000 और 10,000। ओके, यस। व्हाट, व्हाई मिथेन इतना ज्यादा कंसीडर क्यों नहीं करते मिथेन को? बिकॉज परसेंटेज इज लेस। कितनी मिथेन है तुम्हारे उसमें? व्हाट इज द मोस्ट सोर्स ऑफ मिथेन? एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा मिथेन कहाँ से आता है? चलो लगे हाथ तो जीएस के भी दो चार क्वेश्चन हो जाते हैं, वो बता दो, देन वी सॉल्व द क्वेश्चन। टेल मी वेयर इज द मोस्ट, सबसे ज्यादा सोर्स कहाँ से आता है मिथेन का? पेट्रोलियम मिथेन निकालता है? सीरियसली? ओके, डेयरी,
Dairy is the major source and rice cultivation and wetlands are second source. हर चीज में पेट्रोल और गाली देना बंद करो यार। कल मैं पूछूंगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कहाँ से आता है, तब भी तुम लोग पेट्रोल बोलोगे। नाइट्रोजन से कहाँ से आता है, टेल मी व्हिच इज द हाईएस्ट सोर्स ऑफ नाइट्रोजन। अब पेट्रोल मत बोल देना, एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर। जस्ट किडिंग, नाउ लुक एट द पैसेज। कलेक्शन प्रोसेसिंग एंड सेग्रीगेशन ऑफ म्युनिसिपल वेस्ट शुड बी विद गवर्नमेंट एजेंसी। हैव वी डिसाइड एनीथिंग अबाउट कंपैरिजन ड्रॉन बिटवीन गवर्नमेंट एजेंसी और प्राइवेट एजेंसी दैट व्हिच इज डूइंग गुड व्हिच इज नॉट डूइंग गुड, व्हाट वी शुड डू, शुड वी हैंड ओवर प्राइवेट एजेंसी द चार्जेस और शुड वी डू नॉट हैंड ओवर प्राइवेट एमरजेंसी द चार्जेस। हैव वी मेड एनी सॉर्ट ऑफ कंपैरिजन, यस और नो? वी हैव नॉट मेड एनी सॉर्ट ऑफ कंपैरिजन। We don't know. See, tricks. One trick I use, you do not use your GS knowledge. This is the most basic trick. Rest we'll discuss some class further. Do not use your GS knowledge. Now your inner instinct says yes, collection and should be with the government agency. Private will not do good. But you have to understand in the context of the passage. Has passage mentioned anything about your government agency or private agencies? No. So even by your GS knowledge, you can tick this to be the right answer, which will be the biggest blunder that you can commit. Okay. Secondly, record resource recovery and recycling require a technological input that could be best handled by private sector. Now that can be best handled. है बिल्कुल है, मानता हूँ मैं। लेकिन क्या passage में ये चीज, passage में कोई comparison है private sector और government agencies में? कोई comparison नहीं है। जब तक कुछ दिया ना हो पैसेज में, अपने मन से मन की बात नहीं करना। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ योर जीएस। सो नाइदर वन नॉर टू, सॉरी, नाइदर वन नॉर टू। व्हाई? बिकॉज नथिंग हैज बीन मेंशन इन पैसेज कि कौन सही कर रहा है, किसको करना है, किसको नहीं करना है, कौन इसका सोर्स है, गवर्नमेंट अच्छा नहीं कर रही है, प्राइवेट को बुला लो, कुछ बात हुई है? कोई बात ही नहीं हो रही पैसेज में। Now look at this. Generation of energy from municipal solid waste is inexpensive. Again, we have not talked about this expenditure. Expensive hai, inexpensive hai, kuch pata hi nahi hai. Biomethane is the most ideal way of generating energy from municipal solid waste. Can be an answer. Ye main tum logo se puchunga. Segregation of municipal solid waste is the first step in ensuring the success of waste water plant. Can be an answer. Biological component of India municipal is not adequate to provide energy from waste efficiently. Effectively, we have not talked about any efficiency and effectively. चलो दो में eliminate कर दिए A और D. बताओ B और C में क्या आंसर रहेगा? बताओ 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 जल्दी. B और C में से क्या आंसर रहेगा? Biomethanation is the most ideal way to generating energy from municipal solid waste. Segregation of municipal solid waste is the first step in ensuring the success of waste to energy plant. C, B will not be your answer. Why? Biomethanation is the most ideal way. We could have drawn this statement if we know the other ways. कोई हमें और किसी method के बारे में बात हुई है? नहीं बात हुई। और भी method हो सकते हैं। Landfill is there, incineration is there, everything is there. जब हमें comparison ही नहीं पता, हमें किसी दूसरे method के बारे में बताया ही नहीं गया, तो हम बोल सकते हैं भाई जो बताया गया वही सबसे अच्छा है। जब तुम जाओगे सॉम्प में हो, कंपेयर करोगे कोर्सेज को, तभी तो बोलोगे कि भाई ये अच्छा है या वो अच्छा है, या ये टीचर अच्छा है वो टीचर अच्छा है। दोनों टीचर को पढ़ना पड़ेगा ना, देखना पड़ेगा, नोट्स देखने पड़ेंगे। जब किसी और टीचर के बारे में बात ही नहीं हो रही है, एक ही टीचर के बारे में बात हो रही है, बोल दो कि भाई यही बेस्ट है, यही बेस्ट है, इसी को ले लो, तो ऑब्वियसली दिस विल नॉट बी योर आंसर। सो सी एनालिटिक आई डू चूज द most broader statement as your answer. Now broader does not mean जो उसका length बड़ी हो, वो वाली broader की बात नहीं कर रहा हूँ. Broader means multi-dimensional in nature. Okay. Segregation of municipal waste is the first step in ensuring the success of waste to energy plant. It is broader. पहले segregate ही तो करोगे, उसके बाद ही तो उसमें से मिथेन निकालोगे या जो भी निकालना है निकालोगे. जब segregation ही नहीं हो रहा है तुम्हारा, तो उसमें से क्या निकलेगा? अंडा. ओके, सो दैट शुड बी योर आंसर. सी विल बी योर करेक्ट आंसर. व्हाई? बिकॉज सेग्रीगेशन इज द फर्स्ट स्टेप एंड इट इज द मोस्ट ब्रॉडर वन. नाउ दिस
two questions comprehension I have done. Now I come back to you. Tell me now what your doubts you have. Let me leave this. Now tell me. This कोई doubt हो सकता है 5 minutes more I will give. Unmute कर दूँ सबको. चलो सब चली गए. किसी को कोई डाउट नहीं है. एवरीथिंग इज क्लियर. सो थिंक अबाउट दिस. जो भी चीजें हो रही हैं कैसे हो रही हैं ऑल ऑफ यू आर वेल इन्फॉर्म्ड. थिंक अबाउट कि क्या करना है. इफ यू आर इन नीड थोड़े बहुत भी स्केप्टिकल हो तो प्लीज डू ज्वाइन द कोर्स. मैं तो ये सजेशन दूंगा. नॉट बिकॉज आई एम समथिंग एल्स. आई एम जस्ट गिविंग यू फॉर ऑल बेनिफिट. क्योंकि जब पूरा का पूरा साल बर्बाद बिकॉज ऑफ सीसेट खराब हो जाता है तो बड़ा गंदा लगता है. जीएस की वजह से खराब हो जाए जीएस डिफिकल्ट हो सकता है. नहीं पढ़ा था आ गया कोई बात नहीं. लेकिन जो क्वालिफाइंग एग्जाम है 27 क्वेश्चन करने अगर वो खराब हो रहा है और उसकी वजह से आई हैव सीन माय स्टूडेंट्स आर स्कोरिंग जीएस में 120 130 एंड इन सीसेट डब्बा गोल है. ठीक है तो गिव योर सेल्फ अ चांस इन राइटिंग द मेंस 2024. थिंक अबाउट इट. थिंक कहीं से भी. आई एम नॉट सेइंग कि यही सेशन ज्वाइन करो मेरी कोचिंग ज्वाइन करो. आई डोंट गिव अ डैम. ओनली थिंग मैटर इज दैट यू शुड थिंक अबाउट इट. कहीं से कोई गाइडेंस अगर मिल पा रही है प्लीज डू टेक इट. डोंट टेक इट लाइटली फर्स्ट ऑफ ऑल. अगर आप यूपीएससी को लाइटली लोगे तो यूपीएससी आपको उड़ा देगा. तूफानों को कभी लाइटली नहीं लिया जाता. ओके सो तूफान ही है यूपीएससी. ओके सो दिस विल बी ऑल फ्रॉम माय कोर्स. इफ यू हैव एनी डाउट आई विल गिव यू 2 मिनट्स टू आस्क देम. किसी को कोई डाउट है प्लीज डू आस्क. अगर नहीं है तो वी विल फिनिश द सेशन. सबका सब क्लियर है. चलो चलो फिर ऑल द बेस्ट गाइस. टेक केयर. स्कोर बता दो यार कोई. मेरे पास तो मोबाइल भी नहीं है. लूसिफर यू आर सेइंग समथिंग. लूसिफर सीरीज देख के नाम रखा है लूसिफर. हु इज लूसिफर. चलो वी विल डिस्कस इट सम अदर डे. ओके गुड नाइट गाइस. टेक केयर एंड थिंक अबाउट इट. बाय.